देखिए, तमाम स्टेट्स में मदरसा बोर्ड है जो सरकार के अधीन आता है। उन मदरसों में आप ड्रेस कोड लागू कीजिए, उन मदरसों में आप फिल्में चलवाइए, गाने चलवाइए, जो चाहे कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। हमारे जो प्राइवेट मदरसे हैं उनमें हम आपको कुछ नहीं करने देंगे, ये सुन लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान उन 4% बच्चों को अपने लिए रिज़र्व रखता है, हाफिज़ के लिए, मौलवी के लिए। अगर आपने उन 4% मदरसों के अंदर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इसके लिए खड़ा हो जाएगा, और हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे उसको। नहीं नहीं, अंतर तो इसलिए है ना, चूँकि वो मेरे जो प्राइवेट मदरसे हैं मेरे चंदे से चलते हैं, 2.5% की ज़कात से चलते हैं, हम सरकार से कुछ नहीं लेते। ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने सरकार की आमदनी के चक्कर में अपने मदरसों को जो है सरकार के अधीन दे दिया, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए हमारे जो बड़े मौलवी उलमा हैं वो मना करते हैं सरकार से कोई भी पैसा लेने के लिए मदरसों के लिए, क्योंकि हमारी कौम, हमारी जो बिरादरी है मुस्लिम बिरादरी, वो 90.5% की ज़कात से, ये करीब 5-6 लाख मदरसे जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चल रहे हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन और जवाब आप देते हैं, जो मदरसे सरकार के अधीन हैं मदरसा बोर्ड के, उसमें आप कुछ भी कीजिए कोई मना नहीं करेगा। प्राइवेट मदरसों को छूने की कोशिश मत कीजिए, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी।